गुड मॉर्निंग बच्चों, ये देखिए क्लास फर्स्ट की इंग्लिश आपके आपके लिए वर्क आ चुका है इंग्लिश का। और जो हमने लास्ट टाइम जो वर्क किया था वो हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था 18th of May का। अब ये 19th of May का वर्क आ चुका है आपका। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो हमने यहाँ तक क्लियर किया था। तो यहाँ तक हमने क्या समझा था बेटा, अभी तक इस चैप्टर में क्या है, एक हम मैं फिर से एक बार रिवाइज करा रही हूँ आपका। ये चैप्टर यहाँ एक छोटी सी रेड हैन है, इसके 6 चिकेंस हैं और ये इसके 3 फ्रेंड्स हैं। एक तो डॉग है, एक डक है और एक आस है। तो ये क्या करती हैं कि हैन को कुछ ग्रेन्स वीट ग्रेन्स मिले होते हैं, तो ये बार बार अपने इन फ्रेंड से कहती है कि ये वीट ग्रेन्स मिले हैं तो कौन कौन इनको बोएगा, कौन इनको पानी देगा, कौन इनको काटेगा, कौन इनको पीसेगा। तो इस तरीके से बार बार क्वेश्चन रखती है और बार बार ये लोग तीनों लोग मना कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो फाइनली ये क्या कहती है कि चलो कोई नहीं, इस काम को मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ये यहाँ तक हमने चैप्टर रीड किया। इसने खुद ही अपना काम जो जो ये पूछती गई इसने खुद ही किया। जैसे जो लास्ट वर्क था इसको ग्राइंड करना, जो गेहूँ इनके वो आए थे उगाए थे, प्लांट्स बन गए थे तो उनको पीसना था, तो इसने फाइनली खुद ही पीसे थे, जैसे कि ये हमने लास्ट में स्टॉप किया था। अब इसके आगे चलते हैं, देखते हैं नाउ हु विल बेक द केक। अब ये फिर अब हम पहले रीडिंग कर रहे हैं फिर उसका एक्सप्लेनेशन जैसे पहले दिया था वैसे ही बताती हूँ मैं। लिटिल रेड हैन आस्क्ड हर फ्रेंड्स, नॉट आई सेड द डॉग, नॉट आई सेड द आस, नॉट आई सेड द डक, आई विल बेक इट माई सेल्फ देन, सेड लिटिल रेड हैन एंड शी वेक्ड अ बिग राउंड केक। इसके आगे देखते हैं, When the cake was baked, she said, "Who will eat this cake? I will," said the dog. "I will," said the ass. "I will," said the duck. इस तरीके से जब उसने केक को बेक कर लिया तब उसके बाद पूछा था कि अब ये खाएगा कौन, तो उस समय तीनों ने ही हाँ कर दिया कि यस मैं खाऊंगा, यस मैं खाऊंगा। लेकिन जब यहाँ हो रहा था वर्क काम करने का तो यहाँ सबने मना कर दिया, नॉट आए नॉट आए। तो ये देखिए अब आगे देखते हैं, ओ नो यू वुडंट सेड द सेड लिटिल रेड हैन, आई शैल ईट इट विद माय चिक्स, क्लक क्लक सैड एंड शी एट द बिग राउंड केक विद हर चिकेंस। तो इस तरीके से ये देखिए इसने क्या किया, यहाँ से देखते हैं इसने वही रखा कौन केक को पकाएगा, तो सभी ने एक एक करके मना कर दिया, सब ने एक एक करके मना किया। तो इसने कहा चलो कोई नहीं, इस केक को मैं ही पका लेती हूँ, तो उसने इस केक को पका लिया। अब क्या हुआ उसके बाद इसने पूछा चलो तो ठीक है केक तो पक चुका है, अब इसको खाएगा कौन, तो एक एक करके सभी क्या बोले, यस हम खाएंगे हम खाएंगे, मैं भी खाऊंगा मैं भी खाऊंगा। इस तरीके से तीनों ने यस कर दिया। तब इस रेड हैन ने जो छोटी सी रेड हैन थी उसने कहा नहीं कोई नहीं खाएगा, क्यों इसको मैंने बनाया है तो इसे मैं अपने बच्चों के साथ खाऊंगी। तो इस तरीके से जो बिग राउंड केक जो बना था, एक बड़ा सा और गोल सा जो केक बना था वो हैन ने और उसके छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर खाया। ये देखिए आप पिक्चर में देख ही रहे हैं कि ये हैन है और इसके ये छोटे छोटे चिक्स हैं और बच्चे हैं और ये केक को खा रहे हैं। और ये जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हर बार इससे मना किया, इसने पूछा काम करने के लिए इन्होंने मना किया, तो अब इस बार इन्होंने नहीं मना किया, इन्होंने इस बार हाँ किया लेकिन इसने मना किया कि नहीं इसको कोई नहीं, आप में से कोई नहीं खाएगा, इसको मैं और मेरे बच्चे खाएंगे। तो इस तरीके से ये आपकी स्टोरी होती है आपके लिए। अब ये देखिए थोड़ा सा इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसमें हम यहाँ ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, लिटिल हैं लिटिल रेड हैन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, तो एफ आएगा फॉल्स है ये, शी लिव्ड विद हर 4 चिकेंस, फॉल्स है क्योंकि उसके 6 चिकेंस थे। वन डे शी फाउंड सम ग्रेन्स ऑफ व्हीट
तो ये ट्रू है क्योंकि उसको वाकई में ग्रेन्स मिले थे। द डॉग वाटर द लिटिल प्लांट, फॉल्स, क्योंकि सारा काम मुर्गी ने ही किया था। लिटिल रेड हैन एंड हर चिकेंस एट द बिग राउंड केक, तो ये ट्रू है क्योंकि छोटी सी जो मुर्गी है और उसके सभी बच्चों ने मिलकर उस केक को खाया था। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, फिलअप्स है, यहाँ आपको हेल्प बॉक्स दिए और उसको आपको फिल करना है। अब जैसे ये दे रखा है लिटिल रेड हैन लिव्ड इन आ, तो जो लिटिल रेड हैन थी वो कहाँ रहती थी, तो फार्म यार्ड में रहती थी। ये देखिए ऊपर बॉक्स में दे रखा है तो हमें फार्म यार्ड फिल करना है। नेक्स्ट है आपका ये देखिए, शी सेड शी हैड चिकन्स, उसके पास कितने चिकन्स थे, उसके सिक्स, तो हमने सिक्स फिल कर दिया। अ डॉग एंड उसके फ्रेंड्स थे, कौन कौन से फ्रेंड्स थे जो उसके साथ रहते थे, तो एक तो देखो डक दे रखा है, एक इसने डॉग दे रखा है, तो आस बचा तो हमने आस लिख दिया जो फार्म यार्ड में रहते थे। और शी फाउंड सम, उसको क्या चीज़ मिली थी, थोड़ी सी बीट्स, ग्रेन्स ऑफ बीट, और न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड फ्रॉम द वीट, और जो अंकुरित, क्या चीज़, वीट का क्या हो रहा था, प्लांट्स अंकुरित हो रहे थे, तो ये हमने लिख दिया स्प्राउटेड। तो बेटा ये आज आपका वर्क है, इसको आपको रीड करनी है अपनी अपनी स्टोरी को, जहाँ से हमने स्टार्ट किया यहाँ से लेके एंड तक आपको रीड करनी है, और इस हिंदी को ध्यान में रखते हुए आपको ये बुक एक्सरसाइज जो मैंने ट्रू फॉल्स और फिलअप्स की कराई है, इस वक्त बुक में फिल करना है। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।